कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े आंकड़ों में अब तक ये देखा गया है कि बच्चों पर बड़ों के मुकाबले कम हावी है। कोरोना के कई मामले ऐसे भी पाए गए जिसमें लोगों में कोरोना के लक्षण जैसे कि खांसी, नाक बहना, सर दर्द और बुखार नहीं पाए गए। हाल ही में अमेरिका के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक बच्चों में एक अनोखी बीमारी कोरोना का लक्षण हो सकती है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक बुधवार को अमेरिका में 64 बच्चे पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम यानी कि PMSIS की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती हुए जिसका संबंध कोरोना से माना जा रहा है। इनमें से जिन बच्चों में खून की नालियों में सूजन और कोरोनरी आर्टरीज में सूजन पाई गई वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इसका शिकार न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल का बच्चा भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा अस्पतालों और मेडिकल फैसिलिटीज को दी गई एडवाइजरी में इस बीमारी को कावासाकी बीमारी से मिलता जुलता बताया जिसे ब्लड वेसल में सूजन और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।